बेहद ही इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों हमारे सभी आधार यूसीएल ऑपरेटरों के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म 8 तारीख से पहले अपने स्टेट हेड ऑफिस हार्ड कॉपी सबमिट करना है, या फिर दोस्तों आप एक लिंक भी दे दिया गया है जिसमें आप उसमें अपलोड करके इस प्रकार के ऑथेंटिकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे ये कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे आधार यूसीएल ऑपरेटरों के लिए। ये न्यूज दोस्तों हमारे झारखंड के आधार यूसीएल ऑपरेटरों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का जो हार्ड कॉपी है UIDAI की गाइडलाइन की, उसे आपको भरकर सबमिट करना है। तो चलिए पहले इस न्यूज को हम रीड एंड वॉच करेंगे और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हमें इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद दोस्तों एक लिंक के माध्यम से उसे हमें किस प्रकार से अपलोड करके सबमिट करना है, पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज को पहले हम रीड एंड वॉच करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण आदेश सभी ऑपरेटर VLH के लिए। सभी ऑपरेटर्स के अनुरोध किया जाता है कि UIDAI के द्वारा दिए गए इस फॉर्मेट में आवश्यक सभी जानकारी अच्छे से भरकर इसका हार्ड कॉपी जमा करें। 8 तारीख तक यह जानकारी सभी ऑपरेटर की ली जा रही है ताकि उनके कार्यों का अवलोकन किया जा सके और अपडेट के नियम को ध्यान में रखें। सभी ऑपरेटर्स को प्रतिदिन कम से कम 25 अपडेट का कार्य करना है, अन्यथा आपका आधार यूसीएल का कार्य कभी भी बंद कर दिया जा सकता है। हार्ड कॉपी जो भेजना है दोस्तों उसकी आप एड्रेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कुछ इस प्रकार का है। अगर आप झारखंड से हैं और आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं तो सर का नाम तो आप जानते ही होंगे, और ये जो एड्रेस आप देख पा रहे होंगे ये हमारे CAC का हेड ऑफिस का एड्रेस है जिसमें दोस्तों आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप Annexure 1 का ऑपरेटर एक्टिवेशन का फॉर्म देख पा रहे होंगे जो कुछ इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है। और इसके बाद दोस्तों एक एग्जांपल का भी फॉर्म देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस फॉर्म को आपको फिल करना है, तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब इस फॉर्म को पहले हम ओपन करेंगे और देखेंगे दोस्तों इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को फिल करके इस हार्ड कॉपी को हमें सबमिट करना होगा। लेकिन दोस्तों एक गूगल की लिंक भी आ गई है जिसमें आप इस हार्ड कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, आपकी जो भी डाटा है वो स्टेट टीम के पास पहुंच जाएगी। तो चलिए इसे हम रीड करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहां पे फिल करना है ऑपरेटर का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद दोस्तों आधार नंबर, इसी प्रकार से NACIT का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद ऑपरेटर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे फिल करना है, इसी प्रकार से ईमेल ID, रजिस्टर्ड नेम, ENM मतलब इनरोलमेंट एजेंसी नेम, उसके बाद ऑपरेटर ID, स्टेशन ID, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट करने की आवश्यकता है। जब आप कर्सर को थोड़ी डाउन करेंगे दोस्तों तो इस सेकेंड फॉर्म में देख पा रहे होंगे इनरोलमेंट एजेंसी का नाम, उसी प्रकार से रजिस्ट्रार का नाम, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर सुपरवाइजर का यहाँ पे साइन आपको कर देना है और इस हार्ड कॉपी को मर्ज करके आप एक गूगल की लिंक है उसमें अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल वाली फॉर्म देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसे भरना है तो इसे भी आप दोस्तों डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्म को हमें कंप्लीट भरना है। कुछ दोस्तों इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भर लेना है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों वो कौन सी गूगल की लिंक है जिस पे आप इसे अपलोड कर सकते हैं और आसानी से आपका डाटा तुरंत ही स्टेट टीम के पास पहुंच जाएगी। हमारे कर्सर के पास दोस्तों आप रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे काइंडली अपलोड द यूसीएल ऑथेंटिकेशन फॉर्म अबाउ लिंक अर्जेंटली। तो दोस्तों ये कुछ लिंक रहा जिसमें दोस्तों फिर से आपको कुछ नॉर्मल से डिटेल फिल करना है और इसे आपको जो हार्ड कॉपी आपने Annexure 1 वाला फिल किया था उसे अपलोड कर देना है। आपकी जो भी डाटा होगी तुरंत स्टेट टीम के पास सबमिट हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल से डिटेल फिल करना है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद दोस्तों ब्लॉक नेम, इसके बाद दोस्तों CAC ID यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद VLE नेम, और थोड़ी कर्सर को डाउन करेंगे तो ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ऑथेंटिकेट फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों Annexure 1 का जो फॉर्म हम फिल करेंगे उसे ही यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसके बाद सिंपली हमें सबमिट कर देना है। हमारी जो भी डाटा होगी तुरंत वो स्टेट टीम के पास पहुंच जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।